नमस्कार मित्रों, ई एस्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2020 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में लोगों में उत्सुकता बनी हुई। आज हम अंक ज्योतिष के अनुसार आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2020। आप उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि वर्ष 2020 में आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में क्या क्या हलचल होंगे, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी नौकरी या व्यापार में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। यह भविष्यफल अंक ज्योतिष पर आधारित है और यह आपकी राशि पर आधारित राशिफल नहीं है। आप अपनी जन्मतिथि के आधार पर ही अपना वार्षिक भविष्यफल जान सकते हैं, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आपका मूलांक क्या है। मूलांक 1 से 9 तक माने गए हैं, जो आपकी जन्म की तारीख से तय होता है। यदि आपका जन्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख में हुआ है तो यही आपका मूलांक होगा। हालांकि अगर तारीख 9 से ज्यादा यानी 10, 11, 31 या अन्य हो तो इसे जोड़कर मूलांक निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 13 तारीख को हुआ है तो 13 के 1 और 3 को जोड़ लें, इसका कुल योग 4 आएगा और यही आपका मूलांक होगा। मूलांक से व्यक्ति के व्यवहार, स्वभाव और गुण दोष की जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं 2020 की। अंक ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष 2020 का कुल योग 4 बनता है, 2020 यानी कि 4। अंक 4 का स्वामी राहु होता है और राहु इस समय अपनी उच्च की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इस समय राहु बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि साल 2020 विशेष रूप से अंक संख्या 4 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम वर्ष 2020 के अंकों पर भी ध्यान दें तो पाएंगे कि इसमें 2 का अंक 2 बार आया है। 2 का अंक चंद्रमा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि यह वर्ष अंक 2 और 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष कई बदलाव देखने को मिलेंगे, तो आइए जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने में 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है तो उनके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2020। अंक 8 शनि देव का अंक। शनि देव राशि चक्र की 10वीं और 11वीं राशि मकर और कुंभ के स्वामी माने जाते हैं। जो जातक किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे हैं उनका मूलांक 8 बनता है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2020 अधिक अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन आपकी चुनौतियों से जूझने की काबिलियत आपको कई मौकों पर विजयी बनाएगी। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं होंगी, लेकिन आप अपने दम पर जो कड़ी मेहनत करेंगे वह आपको कुछ न कुछ फल अवश्य देगी। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर मानसिक तनाव बना रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी और हर स्थिति में जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपको श्वास और पेशाब संबंधी रोग के साथ ही कमर और ENT प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर
पूरा ध्यान दें और स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले छात्र भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर इस वर्ष धन लाभ की बात करें तो आपको सामान्य लाभ होता दिख रहा है। प्यार के मामले में आप थोड़ी जिद्दी साबित होंगे, लेकिन आपका साथी आपका हाथ थामे रखेगा। लेकिन फिर भी आपको सलाह है कि वर्ष 2020 में समय समय पर अपने प्रियतम को कहीं घुमाने लेकर जरूर जाएं, तो आपके लव लाइफ में नयापन बना रहेगा। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस साल आपके लिए अनुकूल रहेगा और आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाएगा। आपके लिए शुभ दिन शनिवार है और हर महीने की 8, 17 और 26 तारीख शुभ है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।